नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। साथियों, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा आज का जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और इसी के अंतर्गत हमारी जो प्रथम इकाई है जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। और इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को लेकर। साथियों, वर्तमान युग में शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों का कितना महत्व है, ये बात हम सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम का महत्व कितना है। और पाठ्यक्रम आज हम परीक्षाओं की इस दौर में जो पाठ्यक्रम एक सशक्त साधन है बालक के ज्ञान के संवर्धन में, उस पाठ्यक्रम हमें और उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में विद्यार्थी को शिक्षण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और उस शिक्षण लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात जो पाठ्यक्रम उन्हें प्रदत्त किया गया है, उन्हें दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, उस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक उन शिक्षण लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो साथियों, इस पाठ्यक्रम में को पूर्ण करने वाली जो पुस्तकें हैं वो पाठ्य पुस्तकें कहलाती हैं। और उनका हमारे दैनिक जीवन में भी और हमारे जो शिक्षा के अंतर्गत इनका बहुत ही महत्व है। तो आइए हम पाठ्य पुस्तकों के इस आवश्यकता के बारे में, जो जीव विज्ञान में पाठ्य पुस्तकों की किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास हम करते हैं। आइए साथियों, हम पढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, सबसे पहले नंबर वन इतना है, भारत के वर्तमान युग में प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापकों का अभाव है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वर्तमान युग में योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों का कैसा है, एक अभाव है, एक कमी है। शिक्षकों को अपने विषय का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं है। शिक्षकों को अपना जो विषय है, जिस विषय को पढ़कर, जिस विषय के शिक्षक बनकर आए हैं, उस विषय का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अध्यापक अपनी इस कमजोरी को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, जब अध्यापक इतने प्रशिक्षित नहीं है, इतने योग्य नहीं है, लेकिन वो चयनित होकर आ गए हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब योग्य और शिक्षित अध्यापकों के जो प्रशिक्षित एक वेल ट्रेंड जो मतलब शिक्षक की कमी है, तो वो शिक्षक क्या करेंगे, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे। उस पाठ्य पुस्तक के सहारे के माध्यम से वे क्या करेंगे, अपनी उस विषय संबंधी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसी संदर्भ में क्या होगा कि दूसरी तरफ जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या करेंगे कि वो क्या करेंगे, छात्र कि कहीं पाठ्यक्रम में शिक्षक के द्वारा बताए जाने के उपरांत भी यदि कमी रह गई है, तो उस कमी को वह छात्र स्वयं ही पढ़कर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों ने बाजी मारी है, बजाय उन प्राइवेट स्कूलों की। और उन्होंने सरकारी विद्यालयों ने क्या किया है कि उन बालकों की शिक्षकों की कमी के चलते भी उन बालकों ने उस पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने का एवं एक स्वयं के द्वारा अध्ययन करने के बाद अपने उस स्तर को प्राप्त किया है। तो पाठ्य पुस्तक ऐसी विषय है, ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक स्वयं पढ़कर भी उस कमी को दूर कर सकता है, विषय संबंधित ज्ञान को एक पुष्ट कर सकता है, मजबूत कर सकता है। साथियों, अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है कि पाठ्य पुस्तक के जीव विज्ञान की पठन योग्य सामग्री
पाठ्यपुस्तक जीव विज्ञान की पठन योग्य सामग्री वो अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती है। अब जो क्या करती है समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यपुस्तकें हैं वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बड़े साइकोलॉजिकल तरीके से वो पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का प्रस्तुत करती हैं या उसको पेश करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार छात्र एवं अध्यापक दोनों का ही समय बच जाता है। तो क्या होता है कि पाठ्यक्रम को आजकल वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में जो पाठ्यक्रम निर्मात्री जो सभा है या संस्था है वो क्या करती है, वो पाठ्यक्रम को एक बेहतरीन बनाने के लिए उसमें मनोवैज्ञानिक आधारों का समावेश करती है। तो मनोवैज्ञानिक समावेश करने के लिए उस पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और मनोवैज्ञानिक ढंग को जब उसमें उपयोग किया जा रहा है ऐसे में क्या होगा, छात्र एवं अध्यापक दोनों के ही समय में बचत होती है। अब इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट हमारे समक्ष है वो पॉइंट इस प्रकार से है कि उस पुस्तक लेखक छात्रों के सीमित ज्ञान को आधार बनाकर जो पुस्तक लेखक होते हैं जो बुक राइटर होते हैं वो छात्रों के एक लिमिट नॉलेज को एक सीमित ज्ञान को पुस्तक लिखता है। एक जो राइटर क्या करता है कि जो छात्रों का जो सीमित ज्ञान है एक लिमिटेशन वाला जो ज्ञान है नॉलेज है उसको आधार बनाकर पुस्तक को लिखता है। तो इसी संदर्भ में वो क्या करता है कि बालकों की जो नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, अध्यापक की बालक का जो ज्ञान है वो सीमित है तो उसमें जब लेखक भाषा शैली का उपयोग करेगा तो उसमें सरल और सहज भाषा शब्दों का भाषा शैली का प्रयोग करेगा। इसलिए पाठ्यपुस्तकों का महत्व एक अच्छे लेखक के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला जो बिंदु है पाठ्यपुस्तक का वो इस प्रकार से है कि इस कार्य में लेखक का पूर्व ज्ञान होना अत्यंत लाभकारी है। अब लेखक जब पुस्तक लिखने जा रहा है लेकिन उस विषय को लेकर उस विषय वस्तु को लेकर उस अवधारणा को लेकर यदि अध्यापक का ज्ञान अच्छा है पूर्व उसका अनुभव रहा है तो वो डेफिनेटली अच्छे से मतलब बुक को उसमें आ रही बालकों की आवश्यकताओं को पहचान कर उस पुस्तक में दोषों का निवारण करने का प्रयास करेगा और बालकों की आवश्यकता के अनुरूप जो कंटेंट है उसे समावेशित करेगा और उसमें भाषा शैली का भी ध्यान रखेगा। अब इससे क्या होगा कि पाठ्य पुस्तक को एक बेहतरीन पाठ्यक्रम के रूप में या एक अच्छे केवल उसकी विषय वस्तु लिखना ही काफी नहीं, विषय वस्तु लिखना इम्पोर्टेंट है लेकिन उस पुस्तक के अंतर्गत भाषा शैली प्रभावता शब्दावली और इन सबके साथ साथ भाषा शैली में आप ये मानिए कि उसमें जो जो लेखांकन है दृष्टांकन है या उसकी जो आकर्षक जो उसका पुस्तक का जो मतलब डिज़ाइन है उसको किस प्रकार से आकृष्ट कर सके विद्यार्थी को पढ़ने के लिए वो पुस्तक प्रेरित कर सके उस बुक को उस पर तैयार किया जाता है राइटर के द्वारा। आपने भी साथियों कई बार देखा होगा कि जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो उस पुस्तक को सबसे पहले चुनते हैं जिस पुस्तक को रंग बिरंगे पेज दिख रहे हैं या दिखने में जिसका जो कवर है वो आकर्षक है तो हम उसको सबसे पहले चुनने का प्रयास करते हैं, उसका चयन हम सबसे पहले करते हैं। तो पुस्तक को बनाने में पाठ्यक्रम में अच्छे कंटेंट के साथ साथ उसके रुचिकर बनाना भी इतना ही महत्वपूर्ण है और पाठ्यपुस्तक एक मात्र ऐसा साधन है जो अध्यापक एवं छात्र दोनों के शिक्षण लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी सहायता प्रदान करती है। इसी के लिए पाठ्यपुस्तकों को आवश्यकता बहुत ही मतलब हमारे लिए एक बहुत ही महती आवश्यकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।